वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। इस एपिसोड में हम स्लीप हाइजीन के बारे में बात करेंगे। वी हैव सोनम हियर विद अस। एज यू नो, शी इज अ न्यूट्रिशन, डाइट, न्यूट्रीजेनेटिक एंड स्लीप कंसल्टेंट। वेलकम सोनम। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है सोनम, के व्हाट इज स्लीप हाइजीन एंड व्हाट डू वी डू टू मेंटेन इट? हमने ऑफन सुना है कि पर्सनल हाइजीन होता है, डेंटल हाइजीन होता है, लेकिन ये स्लीप हाइजीन क्या होता है? स्लीप हाइजीन का मतलब ये ही होता है कि जिस रूम में हम सोते हैं, हमारे बेडरूम सराउंडिंग्स वो कितने क्लीन और क्लटर फ्री हैं, और जो हमारी हैबिट्स हैं विथ रिगार्ड्स टू स्लीप। कईयों की स्लीपिंग रूटीन होती है, कईयों की डिसरप्टेड होती है, वो दोनों चीज़ें मिला करके हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। सो आज मैं आपको बहुत सी बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी। है तो बहुत बेसिक, लेकिन अगर वो करेक्ट नहीं है तो वो आपकी स्लीप को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। सो ये हैबिट्स क्या हैं? फर्स्टली, जिस रूम में आप सोते हैं, अपने बेडरूम को देखिए, क्या बहुत सारे पसारे हैं, बहुत सारा क्लटर है? अगर है तो इन्वेस्ट कीजिए टाइम उसे साफ़ करने में, क्योंकि जिस रूम में आप सोते हैं इट शुड बी क्लटर फ्री एंड वो साफ़ होना ज़रूरी होता है। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, आप देखिए कि उसकी कंडीशन क्या है। बहुत सारे पिलोज़ है, बहुत क्लटर्ड है, या फिर आप बेड पे कोई सोचने का काम कर रहे हैं, कोई कॉग्निटिव टास्क कर रहे हैं। जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, हमारा लैपटॉप बिस्तर पे आ गया है, या हम कोई कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं बिस्तर के ऊपर, इमीडिएटली आप उसे स्टॉप कर दीजिए। जो बेड है वो एक रिलैक्सेशन की जगह है, वहाँ पे जो काम में ज़्यादा मेंटल टास्क होता है उसे ना करें। उसके बाद जो कैफीन होता है, जो कॉफ़ी टी हम पीते हैं, 3 या 4 बजे के बाद मत पीजिए, ये स्लीप में इंटरफेयर करता है। जो आपकी डिवाइसेस हैं, चाहे वो सेलफोन हो, टीवी हो, आपका टैबलेट हो, आईपैड हो, उसमें से बहुत लाइट निकलती है। सो वो डिवाइसेस को एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आपके बेड टाइम के पहले अलग रख दीजिए, नहीं तो आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि इट्स नॉट स्लीपिंग टाइम येट, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट उसमें से निकल रही है। फिर अगर आपकी रात की स्लीप बराबर नहीं हुई है, तो भी एज अ रूल एंड एज अ रूटीन, प्लीज़ आप मेक श्योर कि एक ही टाइम पे सुबह उठते हैं। अगर आप 3 या 4 बजे सोए हैं और आप 12 बजे उठते हैं द नेक्स्ट डे, सो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी टाइम से। लेकिन आप कितने भी बजे सोते हैं, अगर आप 9 या 8 बजे रूटीन से उठते हैं, तो स्लोली आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। जो घर में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स होती है, एक डिमर लगवा लीजिए और 7 o'clock के बाद उन ब्राइट लाइट्स को कम कर दीजिए। एक स्लीप रूटीन इस्टेब्लिश करिए। लिसन टू सम वेरी सूदिंग म्यूज़िक, लिसन टू मेडिटेशन, मेक श्योर दैट यू आर यू नो टेकिंग अ शावर, रिलैक्सिंग, वॉट एवर काम्स यू डाउन। और आपके ब्रेन को मैसेज मिलना चाहिए कि जब ये रूटीन होती है 1 2 3 4 के सीक्वेंस में, जब ये रूटीन होती है, मतलब इट इज़ माई टाइम टू स्लीप। अगर आप ये सब करते हैं और 21 डेज तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। हो सकता है आपको कोई मिनरल की डेफिशिएंसी हो, या आपको एंजाइटी हो, या स्ट्रेस हो, या बहुत सारा कैफीन जा रहा है, और गेट इट करेक्टेड। थैंक यू सोनम। दोज टिप्स आर वेरी वेरी वैल्यूबल एंड हमें ये ट्राई करना चाहिए बिफोर जंपिंग ऑन टू अ स्लीपिंग पिल। थैंक यू सो मच एंड चीयर्स टू वेलनेस।